पीएनजी हेल्थ के नतीजे ये भी रहे कमजोर। मार्जिन तो बढ़ा है लेकिन मुनाफे में और आय में दोनों में प्रेशर है। पीएनजी हेल्थ कोई किसी के पास है भसीन साहब, क्या करे? और कोई विकल्प अगर आप चुनना चाहें तो? नहीं बिल्कुल, देखिए ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं। आज अगर आप अभी सुन निकुंज की भी बात सुने तो कंज्यूमर्स जो आपके स्टेपल्स हैं वो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं इन द लास्ट 2 ईयर, और कैपिटल गुड स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो कुछ तो वेरियंस होएगा। पीएनजी हेल्थ इज अ पेडिग्री ब्रांड, और आपको पता है विस्पर एज अ ब्रांड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड। साथ में उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़े से नेगेटिव रहे हैं क्योंकि एड है, और वॉल्यूम्स में सॉरी मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। बट मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ, पेडिग्री स्टॉक्स डोंट एवर ट्रेड एट लोअर मल्टीपल्स फॉर लॉन्ग। आज की डेट में मुझे ये सारे शेयर पर्टिकुलरली डाबर, पीएनजी, नेस्ले, कोलगेट, इवन लीवर इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, और एज अ प्रॉक्सी ये अच्छे प्लेस है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट पहली बार इन सेक्टर में आ रहा है 2 साल के लिए। एक दो क्वार्टर लगेंगे इनको स्टेबलाइज करने के जी लिए, बट आई वुड से दैट यू नो टेक सम चिप्स ठीक ऑफ द है, ब्लॉक इन योर कैपेक्स स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई एंड पुट इट इनटू इस तरह की पेडिग्री कंपनीज में। मेरे हिसाब से पीएनजी हेल्थ में शिफ्ट करना बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर।